balance on bank account for a company at the end of the May was a debit balance of 269.36. Debit balance है 269.36. इसके बाद first then discovered on receipt of bank statement standing order had been omitted from cash book. Standing order payment है क्रेडिट स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट हो गई क्रेडिट के बाद एक एंड बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 15 हैड बीन क्रेडिटेड टू द बिजनेस अकाउंट. तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 15.2 क्रेडिट किए, तो हम अपने पास इसको डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहे हैं ये, तो डेबिट जाएगा इंटरेस्ट. तो टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का 284.56, 284.56 माइनस करेंगे 40, ये 244.56 आ जाएगा ना. सर आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. 244.56 डेबिट बैलेंस है ऑप्शन सी. कॉपी कर लें 5. उसमें क्या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स आपके अनक्लियर चेक्स ये तो हो जाएंगे ऐड ना, ऐड करते हैं. उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर ये होंगे अनप्रेजेंटेड चेक माइनस 2000, और ये बैलेंस दिया हुआ बैंक अकाउंट बैलेंस है 12,500. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें फाइंड करना है ना, इसमें वही रिवर्स कैलकुलेशन होगी. 12,500 में आप लेस करें 2,300 माइनस होंगे और प्लस 2,000 ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 12,200 ऑप्शन ए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ए कॉपी कर लें ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है 1,000 ओवरड्रॉन ये क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कितना है 500 ओवरड्रॉन माइनस आ जाएगा 500. ठीक है सब ऑप्शन सी ऑप्शन ए में क्या बैंक चार्जेस ऑफ 500 चार्ज बाय द बैंक. तो बैंक चार्जेस बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, अब बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा 1,500 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 500 दोनों इक्वल नहीं है तो ए आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी आर डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 500. ये तो क्या रीजन वाला, ये तो कुछ ट्रांजेक्शन तो नहीं है, एक स्टेटमेंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 500 से कम हो गया, तो किस वजह से कम हुआ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो ये नहीं हो. अनप्रेजेंटेड चेक्स पोस्टेड टू सप्लायर, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होंगे तो बैलेंस कितना आएगा माइनस 1,000 हो जाएगा, दोनों बैलेंस सेम हो गए. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. सी की करेक्शन पर दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं. अच्छा डी भी चेक कर लेते हैं. डी में क्या 500 पेड इनटू द बैंक हैज येट नॉट बीन एडेड टू द बैलेंस. डिपॉजिट करवाएं जो ऐड नहीं हुए तो उसको आप अनक्लियर चेक कह सकते हैं, ये यहाँ पर ऐड होंगे ना,
यहाँ पर ऐड करेंगे तो बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। दी आंसर नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, जिसमें गिवन क्या आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक ठीक है, वो ड्रॉन है, फाइंड क्या करना है, करेक्ट बैंक बैलेंस। इसमें टी अकाउंट बनेगा, फिर टी अकाउंट बना लेते हैं बैंक का। क्वेश्चन नंबर एट, क्या बैलेंस कितना है, 5675 ओवरड्रॉन क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है, इट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 125 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पेमेंट है, पेमेंट किस साइड पे आती है, क्रेडिट, इसने दो बार क्रेडिट किया, करेक्शन क्या होगी, एक बार डेबिट कर देंगे। जिसके बाद है, एंटर्ड अ डिसऑनर्ड चेक 450 हैज बीन डेबिटेड इन द कैश बुक इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड। तो डिसऑनर चेक को क्रेडिट करने के बजाय हमने डेबिट कर दिया है, करेक्शन क्या होगी, डबल से क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ये करेक्शन हो गई। आप इसका टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का 6575, डेबिट साइड माइनस करें 125, 6450, और ये इसका ब्रॉट डाउन आ जाएगा 6450 ओवरड्रॉन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सही, कॉपी कर रहे हैं। टेन, योर कंपनीज बुक एट 30 अप्रैल शोज अ बैलेंस एट द बैंक ऑफ 2490। कंपेयरिंग विद द बैंक स्टेटमेंट एट द सेम डेट रिवील्स द फॉलोइंग डिफरेंस। फाइंड क्या करना है, करेक्ट बैलेंस ऑन कैश। एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है इसमें, 2490, 2490 डेबिट हो जाएगा। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं आएंगे, बैंक चार्जेस आएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक चार्जेस क्रेडिट, रिसिप्ट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये भी नहीं आएंगे, ये अनक्लियर चेक हो गए, डिसऑनर चेक्स नॉट इन द कैश बुक, ये क्रेडिट पे आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं 2490, 490 माइनस करें 190, 2300, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 2300। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कॉपी कर लें। क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए, लिखा योर कंपनीज बैंक स्टेटमेंट शोज द बैलेंस ऑफ 13400। ये तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ये तो इधर आ जाएगा ना, 13400, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड क्या करना है, योर कैश बुक बैलेंस प्रायर टू करेक्टिंग द एरर्स एंड ऑमिशन। कैश बुक बैलेंस चाहिए बिफोर करेक्शन,
करेक्शन मींस आपको इसका बीडी बैलेंस चाहिए होगा ना, जैसे ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए बिफोर करेक्शन, तो उसके लिए हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस, कैरेट डाउन बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अब जो ये कैश बुक का कैरेट डाउन होता है क्लोजिंग, ये एडजस्टेड बैलेंस होगा ना, किसी भी साइड पर आ सकता है, तो ये होता है एडजस्टेड बैलेंस। अब ये एडजस्टेड बैलेंस कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पहले हमें ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा, इससे हम फाइंड करेंगे एडजस्टेड बैलेंस, वो बनेगा कैश बुक का कैरेट डाउन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कैश बुक का ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बिफोर करेक्शन। तो पहले इसका ये बैंक रिकंसिलिएशन कंप्लीट करके एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करते हैं। कैरेक्टर यू सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट बैंक हैज डिसऑनर कस्टमर चेक फॉर 300। डिसऑनर चेक क्रेडिट पे आएगा एंड हैज चार्ज्ड बैंक चार्जेस ऑफ 50, ये भी क्रेडिट हो जाएंगे बैंक चार्जेस के बाद है। ठीक है, नाइदर ऑफ विच रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक, देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 2400, ये अनप्रेजेंटेड माइनस होंगे। के बाद अमाउंट पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू 1000, तो ये अनक्लियर हो जाएंगे आपके चेक्स, ऐड कर लेंगे। के बाद यू फर्दर डिस्कवर्ड दैट एन ऑटोमेटिक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ 195 हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट इन योर कैश बुक। अच्छा, ये ऑटोमेटिक रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट कैश बुक में डेबिट होनी चाहिए, हमने डेबिट के बजाय क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया, तो करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे। डबल कितना होगा, 390। ओके, अब हमें इसका कैश बुक का बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा जो कि एडजस्टेड होता है, तो पहले हम ये बीआरएस कंप्लीट करते हैं। यहां से हमें मिलेगा एडजस्टेड बैलेंस 12,000, 12,000 आ रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए पॉजिटिव है, तो इसका बीडी कहाँ आएगा, डेबिट पे ना, क्रेडिट डाउन कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, ऐसे ही होगा। कैश बुक क्लोज करेंगे तब ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12,350, 12,350 इसमें से माइनस करें 390, तो ये हमारे पास कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन आ जाएगा, कितना आ रहा है, 11,960। 11,960 आ गया कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन, आंसर होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11,960 ऑप्शन बी। ठीक है, कॉपी कर लें। अच्छा, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्या बैंक स्टेटमेंट बैलेंस दिया हुआ है आपको 167, चलिए क्या शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 167, फेवरेबल है मतलब बैंक बैलेंस है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद फाइंड क्या करना है, इफ द बिजनेस प्रिपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन 30 जून, व्हाट विल बी द फिगर फॉर कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये बताइए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाएंगे ईयर एंड पर, तो उसमें बैंक बैलेंस कौन सा लिखते हैं, एडजस्टेड अनएडजस्टेड, एडजस्टेड बैलेंस आता है ना। ठीक है, तो 36 में हमें एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करना है। अब एडजस्टेड बैलेंस हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, या तो ये टी अकाउंट बनाकर या फिर ये बीआरएस स्टेटमेंट बना के ना। अच्छा, तो इसमें आप स्टेटमेंट बनेगा अकाउंट बनेगा, कि बैलेंस किसका दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस नहीं है, तो इसमें हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से हम एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 167,
बात। अब ये लिखा हुआ है, चेक्स टोटलिंग 394 सेंट आउट बाय द कंपनी बिफोर 30 जून वर नॉट क्लियर्ड अंटिल जुलाई। अब ये अनक्लियर्ड होंगे, अनप्रेजेंटेड है, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। हाँ देखिए एक और चीज यहाँ देखिए, लास्ट पे क्या लिखे, चेक्स फ्रॉम कस्टमर टोटलिंग पेड इनटू द बैंक ऑन 30 जून बट फॉर नॉट क्लियर्ड अंटिल जुलाई, ये भी नॉट क्लियर्ड है। ठीक, अब इस वर्डिंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना, नॉट क्लियर के वर्ड से स्टार्ट से पढ़े देखिए क्या है क्या रहा है। चेक्स टोटलिंग 394 सेंट आउट बाय द कंपनी, सेंट आउट, ठीक, तो सेंट आउट का मतलब हम पे कर रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, पे कर रहे हैं किसी को, पेमेंट हो रही है बाय चेक जो कि 30 जून तक क्लियर नहीं हुए, दैट मींस ये अनप्रेजेंटेड चेक्स सेंट आउट। और लास्ट में क्या था, चेक्स फ्रॉम कस्टमर वर पेड इन टू द बैंक, तो ये डिपॉजिट हो रहे हैं, सही। तो ये 394 क्या होंगे आपके, अनप्रेजेंटेड चेक्स, 394 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है वो भी बता दूं, जिसका आंसर आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, मिस्टेक है इसमें। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका आंसर इसके बगैर कभी नहीं आएगा। देखिए हाँ, यहाँ लिखा टू आइटम्स ऑन बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अ क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ 4850 फ्रॉम कस्टमर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑफ 112। अच्छा देखिए अमाउंट क्या, 4850, और ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ, 482, 300, 800, और ये अमाउंट कितना बड़ा है, 4850। ऐसा कोई ऑप्शन, 1000 तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आंसर तो कभी भी मैच, मिस्टेक ये इसके अंदर, असल में ये 4850 नहीं है, ये असल में 850 है, फोर काट दें। असल में ये जो कीपैड होता है आपका मोबाइल लैपटॉप का, इसमें फोर और डॉलर का साइन एक ही की पर होता है, तो यहाँ पे $850 आना था, उसने 4850 कर दिया, ठीक है, फोर काट के डॉलर का साइन बनाते 850। अच्छा क्रेडिट ट्रांसफर है 850, तो क्रेडिट ट्रांसफर कैश बुक में जाएगा ना, ये इंटरेस्ट भी कैश बुक में जाएगा, छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट है, चेक्स फ्रॉम कस्टमर टोटलिंग 643 वर पेड इनटू द बैंक बट नो वर नॉट क्लियर्ड अंटिल जुलाई, तो ये अनक्लियर चेक हो जाएंगे 643, सम कर लेते हैं तो ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 416, एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। आंसर तो खैर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है, वो सही आंसर था क्योंकि 4850 VRS में नहीं आएगा, आपका आंसर सही था ए। अब क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा 37 में रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट वाज द ओरिजिनल अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, अभी उसी तरह होगा, हाँ इसमें नहीं आएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें वो 4850 आएगा ना, 850 असल में 4000 नहीं। अब इसके लिए हम ये बैंक अकाउंट बना लेंगे, बैंक अकाउंट, अब हम इसमें वही कैश बुक बैलेंस बताना है बिफोर करेक्शन, ये डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट हो सकता है। अच्छा अब इसमें देखिए, जो हमने कैश बीआरएस से एडजस्टेड बैलेंस फाइंड किया कितना आ रहा है, 416 पॉजिटिव, पहले तो ये लिख लेते हैं ना, एडजस्टेड बैलेंस पॉजिटिव है, बीडी का कहाँ आएगा, डेबिट पर, तो सीधे आ जाएगा क्रेडिट साइड, कैरी डाउन, बाकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। इधर टू आइटम्स ऑन बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ 850, ये डेबिट साइड पे आएगा 850। के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस हैं ये क्रेडिट हो जाएंगे 112, और इसमें कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है।
ओके बैलेंस करते हैं, अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 582, लेकिन इस पर डेबिट साइड ज्यादा है ना, 850, 850 इसमें से आप क्रेडिट साइड माइनस करें 850 में से 416 और 112 माइनस करें, 322, 322, और ये बीडीज का आ रहा है क्रेडिट साइड पर, ये हो जाएगा ओवरड्रॉन या ओवरड्रॉन, 322 ओवरड्रॉन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी 37 में 322 क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कॉपी कर लें।